शहर में कांस्टेबल के घर से लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। उसका पूरा परिवार कहीं बाहर गया था, पीछे से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बुलंदशहर में यूपी पुलिस के कांस्टेबल के घर से लाखों की चोरी। पीड़ित सिपाही ने घर में 1,65,000 की नकदी व सोने चांदी के आभूषण ले गए चोर। वारदात के वक्त शादी में गया था पीड़ित सिपाही का परिवार। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद अमरोहा में तैनात बताया जा रहा है। पीड़ित कांस्टेबल नेपाल सिंह, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर जांच में जुटी है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के पक्के बाग कॉलोनी का मामला है। सर्वेश कुमार, बुलंदशहर, समाचार 24। बजे के करीब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम सिंह, मैं नेपाल सिंह का भाई हूँ। जहाँ पे चोरी हुई है, अब 5 बजे बंटी की घरवाली निकली, उन्होंने कहा बोलो ये लोग तो सब वहाँ पे गए हुए हैं अपने गांव, एक कीर्तन भजन कीर्तन एक प्रोग्राम था, और दूसरा उन्होंने बताया कि बोलो तुम्हारे दरवाजे खुल रहे हैं तुम क्या। अब उन्होंने हमें बताया, हम यहाँ पे आए तो हमने अपना सामान आके देखा तो सब बिखरा हुआ हुआ था। सब देखा तो कि ये चीज जो भी हमारा सामान गया है, सोने की चीज़, 1,65,000 रुपया कैश और सोने के कानों के चैन अंगूठी, ये सारा जो लेडीज का जेंट्स का सारा सामान वे चुरा के ले गए, और कोई सामान नहीं, सिर्फ मतलब पैसे और गहने यही लेके। गहनों की कीमत क्या होगी सब? गहनों की कीमत होगी 6-6.5 लाख के करीब, मतलब मिनिमम। वैसे वे नहीं है वे जो पूरा, वे तो भाई बताएंगे कितने कितने तोले के थे, लेकिन आसपास इतना करीबन 6.5-7 लाख का करीब वे लेके गए सोना, और 1,65,000 रुपया कैश लेके गए, और सारे सीसीटीवी में आ रहे हैं। जिस समय मतलब तीन बजे के आसपास की घटना है सुबह की, और ये जो हमें सूचना दी है चोरी की, सुबह 5 बजे बंटी की घरवाली ने दी है कि बोला ऐसे ऐसे तुम्हारे। बंटी कौन है? बंटी सामने ये इनके पड़ोसी हैं। हाँ, पड़ोसी हैं। उन्होंने बताया कि तुम्हारा गेट खुल रहा है। ये जो है, ये भैया क्या करते हैं? ये मेरा जो भाई है जिसके घर में चोरी हुई है, ये आर्मी से रिटायर है और अब यूपी पुलिस में अमरोहा एसएसपी ऑफिस में अभी तैनात है ड्यूटी पर।